हेलो गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और क्या ही बताऊँ, कल रात बिल्कुल नहीं सो पाया हूँ। वहाँ कल रात में नए वाले घर में उधर पीछे पूजा वजह चल रहा था, तो रात भर रामायण पाठ ऐसे कुछ चला है, तो भाई रात भर फुल स्पीकर साउंड बजा कर चलाया जा रहा रात भर बिल्कुल नहीं सो पाया। रात में ऋतु और नागेश यहीं सोए थे, उस चक्कर में व्लॉग नहीं ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि इतना साउंड आ रहा था कि व्लॉग का साउंड ही नहीं आ रहा था, अंदर रूम तक जा रहा था। तो अभी जैसे तैसे नींद पूरा किया हूँ, अभी उठा हूँ, आज चलना है कॉलेज, तो फटाफट जाता हूँ, रेडी होता हूँ, नहाता हूँ, और मेरा बाइक ऋतु लेके गया है, तो वो लेके आएगा या फिर आशीष आएगा तो उसका चला जाएगा। फिलहाल तब तक रेडी होता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, मैं चलता हूँ आज कॉलेज, काफ़ी दिनों का कॉलेज भी गए तो। तो मैं तो रेडी हूँ, बस वेट कर रहा हूँ नागेश का। नागेश आता है फिर निकलता हूँ उसके बाद कॉलेज। आज मैं, नागेश और चहली जा रहे हैं, तो चलते हैं और प्रैक्टिकल का फाइनल करते हैं जैसा जो होगा। तो बस वेट कर रहा हूँ नागेश का, नागेश निकल चुका है, आ ही रहा है, चलते हैं फिर। तो अभी ऋतु के यहाँ तो आ गया हूँ और नागेश ले आया था मुझे यहाँ पे, ऋतु का वेट कर रहा हूँ, नहा रहा है आधे घंटे से वो, तो आता है फिर चला जाए कॉलेज। और हाँ, मडगार्ड भाई अपना ये काफ़ी मजबूत था, फेविक्विक अच्छा काम किया है ना भाई, मुझे लगा था फेविक्विक चिपक जाएगा, लेकिन अच्छा है, अभी जब तक चलेगा ऐसे चलेगा। बाकी चलते हैं फिलहाल कॉलेज, तो आराम चलाता हूँ गाड़ी ताकि जर्क ना हो, झटका ना मिले, सही रहेगा। जब तक चल रहे हैं चल रहे हैं। हाँ भाई, प्रोजेक्ट बना का है भाई, दूसरे से लिए करना है बस दूसरे का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, बनाना है, बस बना हुआ है, उसको एडिट करना है भाई। मैं तो श्योर हूँ अपना प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। ऋतु तेरे क्या लगता है, चहल तेरे क्या लगता है, प्रैक्टिकल होगा अपना? अपने पेपर कर ही नहीं रहा है, अपने पेपर 13 को खत्म हुए थे, आज 28 है, और बोले थे 15 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे, अभी तक वाइवा तो हुआ नहीं, 28 की डेट दी गई थी। हाँ, और 28 तारीख है, बोले 28 हुआ, 28 हो गया, कैंसिल ही हो जाएगा, कोई है ही नहीं। मैं भाई, मैं चहल को, मैं चहल को बहुत पहले बोल दिया था कि मुझे नहीं लगता टेली का प्रैक्टिकल होगा, वैसे घुमाए जा रहे हैं भाई, ये सब जल्दी निपट जाए तो मैं घर निकलूं। चलते हैं भाई, यहीं चढ़ते हैं आज। हाँ सर, माउंट एवरेस्ट देख कितनी सफाई हो गई यार। हाँ भाई, जस्ट के बगल में सफाई, चले पहाड़ में, क्या करने जाएगा पहाड़ में, पहाड़ छोड़ भाई, प्रैक्टिकल खत्म हो, मैं घर निकलूं मस्त आराम से, भाई तो लटका ही रहेगा ऐसे, कुछ नहीं होगा तो भाई मैं ग्रामोदय उत्सव के बाद घर निकल लूंगा, उसके बाद निकलूंगा सीधा होली के बाद दिखूंगा। नहीं, ग्रामोदय उत्सव में निकलूंगा मैं, क्या करूंगा ग्रामोदय उत्सव में, पार्ट तो लूंगा नहीं मैं भाई, मेरे को रहेगा, मोटिवेट करेगा ना। नहीं, तू क्या करेगा, देख मैं तेरे को मोटिवेट करूंगा, तू पार्ट ही मत ले, क्या फालतू में बकचोदी में पढ़ रहा है। हाँ बोल, और मैं क्या ही करूं, मैं तेरे को मोटिवेट करूंगा, तू पार्ट ही मत ले, बड़ा सोचो ये क्या है सब छोटे मोटे। हाँ भाई कुछ बड़ा सोच ना, भाई तो सोच रहा ना, यहाँ कुछ नहीं बड़ा होगा, यहाँ देख रहा है क्लासेस चल नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा, यहाँ तो सब कुछ बड़ा होगा। भाई कुछ बनाओ यार खाने के लिए, बना लेगा, बर्तन धुलने को पड़ेंगे तो, बर्तन तो एक आदमी बर्तन धोएगा, एक आदमी बनाएगा, एक आदमी फिर मैं खाऊंगा, तू बर्तन धो, मैं खाऊंगा बर्तन। नागेश के ऊपर हमेशा भाई बाढ़ आ जाती है, टंकी भर जाता है, पूरा पानी वहाँ भर जाता है, ऐसे भी शाम हो गई है, चलता हूँ अपने रूम। नागेश निकलता हूँ, देखता हूँ होगा तो फिर रात में आऊँगा, लेट्स गो भाई, शाम हो गई। कब आया कुंवर घर से? कई दिन हो गए, बड़े दिनों बाद। तो प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो गया, मैं अपने रूम जा रहा था लेकिन कुंवर के रूम आ गया, देखता हूँ थोड़ी देर यहीं रुकूंगा, कुंवर अपने को खाना खिलाएगा। यस परफेक्ट, बहुत बढ़िया, यही लोग, ऐसे लोग तो, ऐसे लोग तो भगवान का रूप है भाई, जो खाना खिलाते हैं ना कुंवर है, राकेश भाई जो खाना खिलाते हो भगवान का रूप। कुंवर तो, हाँ कुंवर तो ऐसे भी वहाँ भी रूम पे आता भाई बना देता था, लिफाफा लिफाफा कुंवर का रूम बड़ा सही जगह, अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से, लेकिन ठंड भाई लगती होगी रात में, ठंड काफ़ी लगती है, हाँ पूरा खुला खुला है तो ठंड लगेगी। नागेश पहले यहीं रहता था, बाद में अब चेंज करके वहाँ चला गया नागेश ऋतु, हाँ पहले नागेश यहाँ रहता था और चहल वहाँ रहता था, अब खाली कुंवर यहाँ बचा, इसका भी आखिरी सेमेस्टर है, ये भी निकल लेगा कुछ टाइम बाद और फिर हम सब रह जाएंगे बस, फिलहाल तो चलो अंदर। मतलब तेरी जिंदगी यही मसला ना, खुद पढ़ा ना उसको पढ़ने, तो भाई वो पढ़ रहा था घूमने के लिए बुला लिया, तो अभी उसका टाइम हो गया ना पढ़ाई का, अभी बोला था पढ़ेगा थोड़ी देर बाद, उसको उठा के लिए चल रहा है, घूमने वाला टाइम है ना, 5-6 बजे तक घूमता, घूमने का टाइम था 1 घंटे बाद बोला था, खैर कोई नहीं, वैसे भी असाइनमेंट है कंप्लीट कर रहा था ना, उनसे पढ़ा
पहले बताता, असाइनमेंट कंप्लीट करना पढ़ना थोड़ी होता है, असाइनमेंट अलग होता है, पढ़ाई अलग होता है। कहाँ? ये सामने बहुत। तो अभी मस्त घर तो आ गया हूँ, अभी रूम तो ये मस्त रूम पे आ गया हूँ, मस्त थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर देखता हूँ अगर शाम में कुछ नहीं होगा तो, तो अगर शाम में कुछ नहीं होगा तो नागेश को बुला लूँगा, फिर नागेश और मैं यहीं रुक जाएंगे, रितु तो चले गए अपने घर, देखता हूँ जैसा होता है। तो दोस्तों मुझे लगी हुई थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने मंगा लिया पिज़्ज़ा, काफ़ी टाइम बाद पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मन था तो आज मंगा लिया, अभी जोमेटो से देखता हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी भूख लगी थी, थोड़ा सा मंगाया, अभी इसे एंजॉय करता हूँ मस्त, और मिलता हूँ देखता हूँ कुछ करता हूँ तो। सो गुड, मज़ा आ गया, खाता हूँ बाद में, मिलता हूँ आपसे, चीयर्स। तो दोस्तों पिज़्ज़ा तो खा लिया, पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था और मैं ध्यान नहीं दिया, और बाद में दूसरे रैपर में ये केचप ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स थे, वो मैं भूल ही गया था देखना भाई, कहीं दूसरे पैकेट में रखा हो तो मैं देखा नहीं, मैं सोचा शायद रेस्टोरेंट वाला भूल गया देना, तो मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा खा लिया, जब खाने के बाद देखा तो ये सब पड़े हैं। वैसे कोई नहीं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा था तो उतना कुछ पता नहीं चला, काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा था, तो बस खा लिया और रात खाना ना खाता हूँ, और आज के इस ब्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक नया शॉर्ट्स डाला हूँ, जाके देख लेना, थोड़ा फनी है।